हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। भिवानी में किन्नरों ने पर्यावरण और पानी बचाने का संदेश देने के लिए ढोल नगाड़ों की थाप पर इको फ्रेंडली गणेश की प्रतिमा का विसर्जन किया। इस अवसर पर किन्नरों ने कहा कि हम सभी को इको फ्रेंडली गणेश की प्रतिमा का विसर्जन करना चाहिए, ये पानी में घुल जाती है और पानी खराब नहीं होता। ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचते गाते गुलाल उड़ाते ये किन्नर हैं। ये सब किन्नर अपने किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बुलबुल के नेतृत्व में गणेश की प्रतिमा का विसर्जन करने के लिए उनकी शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। खास बात यह है कि इन किन्नरों का उद्देश्य गणेश विसर्जन के साथ आम लोगों को पर्यावरण में पानी बचाने का संदेश देना भी है। किन्नरों ने बताया कि गणेश प्रतिमा का विसर्जन हिंदू समाज की पुरानी परंपरा है, इसलिए गणेश विसर्जन से पहले निकाली शोभा यात्रा की उन्हें बहुत खुशी है। उन्होंने बताया कि हम सभी को गणेश प्रतिमा अपने घर लानी चाहिए और इसका विसर्जन करना चाहिए, लेकिन ये प्रतिमा इको फ्रेंडली होनी चाहिए क्योंकि इको फ्रेंडली प्रतिमा के विसर्जन से पानी खराब। हाँ जी बताइए। सबसे पहले सारे नगर वासियों को, पूरे भिवानी व भिवानी से लगते सारे गाँव के सभी नगर वासियों को मेरी तरफ से गणपति महाराज का विसर्जन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम लोग आज ये संदेश देना चाहते हैं कि अपने घर पे गणपति जी को लाइए और फिर उनका विसर्जन कीजिए। और मैं सभी शहरवासियों से ये कहूँगी, कृपया करके इको फ्रेंडली गणेशा को इस्तेमाल कीजिए, पानी को प्रदूषित ना कीजिए, प्लास्टिक व अन्य चीज़ों के गणेशा को ना लाएं, लाएं तो इको फ्रेंडली गणेशा लाएं ताकि वो पानी में घुलकर पानी को रेत बन जाए और गंदा ना करे। सभी देशवासियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आज हिंदू धर्म को मध्य रखते हुए किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर महंत बुलबुल आनंदगिरी, जो कि अपने शिष्यों के साथ, भक्तों के साथ गणेश विसर्जन के लिए अपने डेरे से प्रस्थान कर रहे हैं, और यह हमारे हिंदू धर्म की एक बहुत पुरानी परंपरा है जो पूजा करके हम गणेश जी को विसर्जन करने के लिए जाते हैं। वो धूमधाम के साथ अपने शिष्यों के साथ, महंत बुलबुल जो हैं अपने भक्तों के साथ, हरियाणा की महामंडलेश्वर हैं और किन्नर अखाड़ा से हैं, ये सबके साथ आज गणेश विसर्जन करने के लिए पहुँच रहे हैं। वासियों को बुलबुल महंत की तरफ से गणपति महाराज की हार्दिक शुभकामनाएं, और मैं बोल रही हूँ महामंडलेश्वर, और आज हमें बहुत खुशी है हम सब किन्नरों के साथ मिलकर अपने गणेश जी को अपने वक्त विसर्जन कराने जा रहे हैं। ठीक है जी, शहरवासियों को कुशल मंगल। तू बोल दे Thank you.